अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अर्ज़ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सना खान। नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं कराची से। मारूफ शख्सियत, सोशल वर्कर, रेविडियन सोशल ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के कराची कमेटी के रुकन मलिक शाहजैन के ऊपर लगाया गया इल्ज़ाम झूठा साबित। आइए देखते हैं मोहम्मद असलम की इस रिपोर्ट। रहमान रहीम, आपका नाम क्या है और आपके साथ क्या मामला दरपेश हुआ था, थोड़ा सा मसाइल बताइएगा, फिर मैं आगे सवाल करूँगा। वालेकुम सलाम, मेरा नाम मलिक शादी नेमत है और 3/22 से मेरे एक दोस्त का पैसों का लेन देन था, तो हमने इनकी एक कंप्लेन की थी पुलिस स्टेशन में। सही। तो मैंने इनकी ज़मानत ली थी। सही। ज़मानत लेने के बाद ये भाई जो है मतलब घर से लापता हो गए थे, क्या मामला थे अब आपको बताएं। अच्छा, ये बताएं कि आपको जब ये इनकी पता चला कि ये यहाँ मौजूद हैं, तो आपने उस वक्त क्या अमल किया फौरन? असल में इनके बेटे का मसला जो है, इनके मसला था इनके बेटे का, तो गलत फहमी में इनको लेके आ गए, तो हमने इनको रिलीज करवा दिया। लेकिन मसला कुछ और था, इनके ऊपर किसी और ने FIR करवाई भी थी, हमें मालूम नहीं था, तो ये जो है आगे भी। अच्छा, ये बताइएगा आपका नाम क्या है, पूरा वल्दियत के साथ बताइए। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा जोर से बोलिए। ग्यासुद्दीन बाब निज़ामुद्दीन। अच्छा ऐसा साहब, क्या मामला थे आपके साथ? भाई बेटे ने छुड़ाया था बच्चे ने साहब ने। हाँ। मैं जो हूँ, एक मिनट, जानते नहीं, मलिक साहब, मलिक साहब ने छुड़ाया था मेरे को, मैं डर की वजह से भाग गया था, छुप रहा था और अपने